नमस्कार, आप सभी का मेरा प्रणाम। मैं हूँ गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना। आप सभी का मैं नमन करता हूँ। आज मकर संक्रांति है, आप सभी को हैप्पी 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 दिल से मकर संक्रांति, और साथ में जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं सभी को हैप्पी सीना ठोक के मकर संक्रांति। आज मैं इस एरिया में आया हूँ, ये बहुत प्यारा एरिया है, और जिन्होंने भी ये बनाया है मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं ये गरीब के साथ साथ दिलदार हैं, और दिलदार है बोल के यहाँ पे वो रहते हैं। मैं नमन करता हूँ, मैं मेरे भाई को प्रदीप जैन जी को, जो एक बेहतरीन समाज सेवक है, और साथ में एक ऐसे समाज सेवक जिनको आउट ऑफ कंट्री से लेके इंडिया के तमाम जगह पे इनको सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। उसके साथ साथ ये हर रोज हर गुरुवार को भंडारा वो करते हैं, और हम लोग जो हर रोज जो भंडारा का शुरू किया है अंधेरी आदर्श में, तमाम जो कलाकार जो भूखा रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए दो रोटी नहीं होता, अन्न नहीं होता, उनके लिए हम लोग ने हर रोज एवरी डे 12 से लेकर 2 बजे तक आओ खाना खाओ और जाओ, ये DPIF की टीम ने शुरू किया है। आज मैं नमन करता हूँ सचिन जी को, जो इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया है, और साथ में आशिफ भाईजान को। यह कहलाता है जो समाज में कितना हिंदू और मुसलमान का एकता है, प्रतीक है। दोस्तों आज मकर संक्रांति है, लेकिन आज देखिए एक आशिफ भाईजान आज इस हमारे हिंदू के बड़ा कार्यक्रम में देखिए कितने तेजी से वो आके यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिंदू और मुसलमान का एक प्यार, एक प्रतीक, एक दोस्ती। और ये दूसरा वर्ष 2 साल पूरा हो रहा है आज। मैं यहाँ के हिंदू के तमाम भाइयों को मैं नमन करता हूँ, मेरे मुसलमान के तमाम जो भाई हैं यहाँ पे उनको मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ मेरे बाजू में खड़े हैं यहाँ के समाज सेवक रविंद्र सिंह जी को, एक बेहतरीन समाज सेवक है, और साथ में समाज से काम करने के लिए हर वक्त आगे आते हैं। मैं नमन करता हूँ पुरुषोत्तम लाल राजकुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिन्होंने इतनी खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके साथ साथ मैं नमन करता हूँ मुंबई रफ्तार के संपादक शैलेश सर को। शैलेश जी, आप कहीं भी आप आ जाते हैं, आपको जहाँ बुलाते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे मीडिया को मेरा नमन है। मैं ये टीम के तमाम जो लोग हैं जो आज सहयोग कर रहे हैं सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि टीम के बिना काम नहीं होता है, वो तमाम जो टीम के अधिकारी है, टीम जो मेम्बर्स हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, जो आप लोग ने एक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम के लिए आपको सभी को मैं सलाम करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि इस शहर में, इस मुंबई शहर में जिस तरीके से मुंबई देवी माता है, उस तरीके से हाजी अली बाबा है। आज इस शहर में तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे वाले लोग हैं, BMW में घूमने वाले ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे काम, ऐसे सोचने वाले लोग बहुत कम। तो ये जो समाज के लिए लोग जो सोचते हैं, जो करते हैं, उनको मेरा नमन है। मेरी जो 2 NGO है, एक का नाम है कल्याण जियाना यूथ फाउंडेशन, और एक का नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉनिक फिल्म्स, जो पूरी हिंदुस्तान में है, उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो आप लोग ने एक नोबल कॉस्ट आप लोग ने बनाया है, आज कर रहे हैं समाज के लिए, जो लोग को खाना नहीं मिलता उनके लिए आप खाना लेके आए हैं यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक। मैं सभी को नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ ये तमाम जो यहाँ के प्रदीप जैन जी को, और साथ में प्रदीप जैन जो वितरण व्यवस्था जो संस्था जो चला रहे हैं, आज जो वितरण कर रहे हैं, मैं कह दूँ इनके लिए 10 दिन पहले इन्होंने 200 बच्चे को कपड़ा दान किया। एक बार तालियां हो जाए। 200 बच्चे को कपड़ा दान किया ठंडी के मौसम में। आज वो तमाम जो आदिवासी गांव है वहां जाके इन्होंने कपड़ा दान किया, और इस लॉकडाउन में जिस तरीके से हर घर घर जा जाके इन्होंने अनाज दिया, खुद को तकलीफ है, आग का तकलीफ है इनको, तभी भी इन्होंने जाके अनाज दिया। उसके साथ साथ में मैंने इनको कहा था, भाई मेरे कुछ आर्टिस्ट है, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, वहाँ पर आप एक काम कीजिए, गैस भरा दीजिए आप, क्योंकि हमने अनाज तो दे दिया लॉकडाउन में, लेकिन गैस खत्म है उसका। अभी गैस भरने के लिए 1100 रुपये नहीं उनके पास ब्लैक में, क्योंकि सब यहाँ पे भाड़े पे रहते हैं। तो इन्होंने गैस का पैसा दिया ऐसे कम से कम 10 से 12 लोगों को। सर मैं आपको नमन करता हूँ, और थैंक यू सो मच। हमारे जो बड़े भाई मेरे जो बाजू में खड़े हैं,
बहुत अच्छे इंसान, हमारे भाई देवेंद्र भाई को मैं नमन करता हूँ सर, ऐसा काम आप करते रहिए। और 24 को जो धूमधाम से मेरा अवार्ड शो हो रहा है अंदर ही साकीनाका पे द फाइव स्टार होटल द ग्रैंड पेनिनसुला होटल में, जहाँ पर फैशन शो है, जहाँ पे मेरा अवार्ड शो है, मेरा एक पेपर चलता है जिसका नाम है दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर, उसके माध्यम से मैं 6 साल से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ, ये मेरा 7 ईयर है। और जहाँ पर बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वहाँ पर आ रहे हैं, और इस अवार्ड शो के जो हमारा उद्घाटन किया है वो है रामदास अटलवे साहब, उसके साथ साथ नवाब मलिक साहब, उसके साथ साथ MP दिल्ली पार्लियामेंट गोपाल सेट्टी साहब ने सभी ने आशीर्वाद दिया है और सब वहाँ पर आने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर, आप आइए, आपकी पूरी टीम को लेके आइए। और मैं कह दूँ दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड इस साल हमारे भाई प्रदीप जैन को दिया जा रहा है। ओम साई राम, ओम साई राम। जो 7 साल से मैं कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है, लोग बोलते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार आते हैं, आपको इस साल दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है और तमाम मीडिया पर्सन को भी दिया जा रहा है, साथ साथ में शैलेश जी को भी दिया जा रहा है, क्योंकि शैलेश जी एक अच्छे पत्रकार के साथ साथ में एक अच्छे इंसान है। थैंक यू सो मच, मैं बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल।